देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कुशीनगर के तिवारी पट्टी गांव में ग्राम प्रधान और कोटेदार ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए गरीबों के मुंह से निवाला छीन लिया है। भ्रष्ट ग्राम प्रधान और दबंग कोटेदार ने मिलकर पंचायत करके सरकार की ओर से निर्धारित राशन का कोटा जबरन घटा दिया है, जिससे गांव के गरीब राशन के लिए दर दर भटक रहे हैं। राशन उठाने तो कहने का मतलब हमको 20 किलो राशन मिलता है, तो हमारी देवरानी 8 किलो उठाई 16 किलो, तो कह रहे हैं कि यूनिट में आज कम आए आपकी पारी, तो यूनिट में हम लोग कम देंगे। तो हम लोग क्यों देंगे, हम लोग 20 किलो लेते हैं तो 20 किलो लेंगे। सरकार तो भेज ही रहा है जनता के लिए, अब ये नहीं लोग देंगे तो क्या कर जाएगा। सरकार द्वारा निर्धारित अनाज को कम करके दबंग कोटेदार और भ्रष्ट प्रधान राशन की कालाबाजारी करके अपनी तिजोरियां भरने में लगे हैं। गरीब जनता के लिए सरकार द्वारा निर्धारित यूनिट में से 4 किलो से लेकर 5 किलो तक की कटौती की जा रही है और कुशीनगर का प्रशासनिक अमला गहरी नींद में सो रहा है। ऐसा नियम कैसे बन सकता है, या सरकार का नियम का उल्लंघन कैसे कोई कर सकता है? वो जो कि ये यह चीज माननीय वाला चीज नहीं है, इस चीज को जो कर रहा है वो सबसे जो है कि हर हर गलत कर रहा है, लेकिन हमको कुछ जानकारी नहीं है ये कहाँ से कहाँ ये लोग काम किए हैं। फर्जी एप्लीकेशन अपना बना करके हमारे ऊपर आरोप भले लगाए हो, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। दबंग कोटेदार और ग्राम प्रधान के तुगलकी फरमान के आगे गांव के गरीब लोग बेबस हैं। लोगों का कहना है कि हर महीने कोटेदार उनके हिस्से का राशन खा जाते हैं। इसकी शिकायत भी कई बार की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके कारण प्रधान और कोटेदार गाँव में अपना शासन चलाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुशीनगर तमकुहिराज तहसील के तिवारी पट्टी गांव में आज भी तुगलकी सल्तनत चलती है। इस गांव में सरकारी आदेश बेअसर और ग्राम प्रधान और कोटेदार मिलकर फरमान जारी करते हैं और उसे प्रशासनिक अधिकारियों तक भी पहुंचाते हैं। मामला गरीबों को दिए जाने वाले सरकारी राशन से है, जिसे पाकर गरीब अपना पेट भरता है, लेकिन कोटेदार और ग्राम प्रधान ने उसमें भी कटौती कर ली। दोनों ने गांव में पंचायत करके गरीबों को मिलने वाले राशन की यूनिट घटा दी है। समस्याएं आई है एक सप्ताह के अंदर, वो ये है कि प्रधान, वर्तमान प्रधान और प्रधानपति सहित कोटेदार, ये तीनों लोग मिल करके एक सामूहिक रूप से एक लिखित बयान पढ़ के पंचायत करके ये बनाए हुए हैं, जिसको हम लोगों ने SDM के यहाँ भी दिया है कि प्रत्येक अंत्योदय कार्ड के लाभार्थी को 35 किलोग्राम राशन के जगह पर मात्र 30 किलोग्राम देंगे और पाद गृहस्थी के लाभार्थी को प्रत्येक यूनिट पर जो 5 किलोग्राम मिलता है उस पर 4 किलोग्राम ही दिया जाएगा, और इस पर दिए भी हैं लोग। उसके बाद एक दिन कोटेदार कोटा बांटा, दूसरे दिन से वो कोटेदार गायब हो गया। जब हम लोग कोटा के दुकान पर जाते हैं तो पता चलता है कोटेदार जो है कि अपना दुकान बंद करके, उसका घर बाजार में भी है, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर वहाँ चला जाता है। कल में प्रधान जी का घर है, प्रधान जी के यहाँ से हम लोग जा कहते हैं कि प्रधान जी हम लोग को राशन दिलवाइए, तो लोग कहते हैं ठीक है, प्रधान जी कहते हैं कि जाइए जाइए और SDM के यहाँ दरखास्त दीजिए, वहीं से कार्रवाई होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पंचायत में गांव के लोगों को नहीं बुलाया, बल्कि एक जगह बैठकर दोनों ने भोले भाले मासूम गांव वालों से दस्तखत करा लिए। इतना ही नहीं, SDM तमकुहिराज को भेज दिया गया। निर्धारित राशन में कटौती के खिलाफ मुखर हुए लोगों ने पंचायत भवन पर एकत्र होकर विरोध दर्ज करवाया है। ग्रामीणों का कहना है कि हर महीने उनके यूनिट से राशन की कटौती की जाती है और जब कोटेदार से पूछा जाता है तो वो लड़ाई पर उतर आता है। इन ग्रामीणों में कुछ विकलांग हैं तो कुछ वृद्ध और विधवा महिलाएं हैं, जो राशन कम मिलने से अब काफी परेशान हैं। कुशीनगर प्रदेश के गद्दी संभाल रहे योगी आदित्यनाथ के संघर्ष की धरती रही है। मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में ही राशन की कालाबाजारी के खिलाफ आंदोलन किया था, जिसके बाद पूरे मामले की जाँच हुई थी और वही योगी आदित्यनाथ प्रदेश की बागडोर संभाल रहे हैं। बावजूद इसके राशन माफिया जनपद में अपनी मनमानी कर रहे हैं। गांव के प्रधान और दबंग कोटेदार अपनी मनमानी करते हुए गरीबों के हिस्से के अनाज में से कटौती करके राशन की कालाबाजारी कर रहे हैं और प्रशासनिक अमला वातानुकूलित कार्यालयों में बैठकर अपना हुक्म चला रहा है। कोटेदार की दबंगई और प्रधान के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों का कहना है कि कई बार शिकायत हुई लेकिन जांच नहीं हुई और हर उस व्यक्ति को कोटा मिल गया जिससे उसका हौसला बढ़ा हुआ है और वो अपनी मनमानी करता है। तिवारी पट्टी गाँव के कोटेदार के घर पर अपने कोटे का राशन लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी है, लेकिन कोटेदार घर से फरार है। सरकारी राशन का खेल करने वाले कोटेदार और ग्राम प्रधान की कार्यस्थानी के बारे में पूछने पर तमकुहिराज के SDM का कहना है कि इसकी शिकायत उनके पास आई थी। शासक की शिकायत दिया गया था कि प्रधान ने
लिखित रूप से दे दिया है कि अंत्योदय पर 30 किलो और 5 की जगह 4 यूनिट का जो है, मैंने इस चीज़ को संज्ञान लिया और तत्काल हमने सप्लाई इंस्पेक्टर को निर्देशित कर दिया है कि ये आदेश गलत है, इसको संशोधन कराकर जो निर्देशानुसार जो नियमानुसार है उसको वितरण कर। जिसके बाद संबंधित अधिकारी को राशन का वितरण सरकार द्वारा निर्धारित मानक के आधार पर कराने का आदेश दिया गया है। देखिए ग्रामीण न्यूज़ YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।